एक महिला मोटी थी उनको आने देना, जब हाँ की तो अयोध्या में पहुंच चुकी है मोहन सरकार और सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या से लाइव देख रहे हैं। राम धुन पूरी कैबिनेट ने गाई, आपने उसे सुना। राम के सहारे संकल्प की सिद्धि के लिए स्वयं मोहन मंत्रिमंडल, मोहन की अगुवाई में राम की शरण में। परिवार संघ पूरी कैबिनेट पहुंची है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव तस्वीर। मोहन सरकार पहुंच चुकी है, पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंच चुकी है और राम लला के दर्शन करने का लंबे वक्त से जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इतने सालों तक इंतजार सभी को करना पड़ा और उसके बाद रामलला विराजमान हुए और आज वो मौका आया है, खास मौका, जब मोहन कैबिनेट रामलला के दरबार पहुंची है और रामलला के दर्शन करने के लिए यहां पहुंच चुकी है। परिवार साथ में मौजूद है, सभी की पत्नियां यहां पर साथ में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या से देख रहे हैं। हमने तस्वीरें वो भी आपको दिखाई जब उत्साह, खुशी पूरी ही कैबिनेट में नजर आ रहा था। ललित, आपने भी तस्वीरें देखी कि किस तरह से पूरी कैबिनेट खुश नजर आ रही थी। बस में भी राम के गीत गाते हुए, राम की धुन पर नाचते गाते हुए सभी नजर आए। तो एक लंबा संघर्ष और उसके बाद अब जबकि एक अलग स्वरूप में दिव्य भव्य राम मंदिर में पहुंचकर रामलला के दर्शन किए जाएंगे, यही बात कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे थे कि अब जब अपनी पूरी टीम के साथ वो अयोध्या पहुंचे हैं, ये एक अलग बात है। उन्होंने वो दौर भी देखा है, 10 साल 20 साल 50 साल पुराना, जबकि कार सेवक पहुंचे हुए थे और तब से लेकर अब तक का ये पूरा सिलसिला अपनी आंखों से इन राम भक्तों ने देखा है। तो जाहिर तौर पर एक अलग ही खुशी, पूरी की पूरी कैबिनेट आपको नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री संपतिया उइके, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पूरी की पूरी कैबिनेट राम के दर्शन, राम के पूजन, राम के आशीर्वाद के लिए पहुंची हुई है और साथ ही उनके पत्नियां भी मौजूद हैं। और सौभाग्यशाली कहीं ना कहीं सभी अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा और लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ गई जब वो राम का आशीर्वाद ले पाएंगे, रामलला का आशीर्वाद ले पाएंगे, अयोध्या पहुंच करके दर्शन कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। वो घड़ी अब आ चुकी है। बेहद खास उत्साह में, खुशी में सभी नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज वो मौका बना, दिन बना जब पूरी कैबिनेट पहुंची है रामलला के दरबार दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ। कुछ ही देर में दर्शन भी होंगे। ये आप वहीं की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रामलला की शरण में पूरी कैबिनेट पहुंच चुकी है। विशेष यहां पर इंतजाम भी किए गए हैं कि किसी भी तरह से जो आम भक्त हैं वो प्रभावित ना हो। सभी तरह के प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो किया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं रोज रामलला के दरबार में, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं रामलला का। और इसी बीच किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, अच्छे से दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, इसके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इससे पहले बाकायदा
बहुत, हालांकि ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, पर मीडिया से भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से सांस्कृतिक केंद्रों की पुनर्स्थापना का, सनातन का स्वर्णकाल एक तरह से ये है, न सिर्फ अयोध्या में मध्य प्रदेश के राम भक्तों के लिए काम किया जाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश में भी जो बड़े पीठ हैं, बड़े मंदिर हैं, प्रभु के सामने दंडवत होकर आशीर्वाद पूजन किया जा रहा है, ध्यान लगाया जा रहा है। आज मोहन कैबिनेट अयोध्या धाम पहुंची हुई है और निश्चित तौर पर एक सपने के सच होने की जो खुशी है, रामलला के साक्षात दर्शन की जो खुशी है, पूजन की जो खुशी है, वो सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। आध्यात्म की, सनातन की शक्ति से उत्प्रोत पूरी मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन के लिए पहुंचा हुआ है। साकेत, कौशल, अयोध्या, ये अलग अलग नाम इसी अयोध्या के। अब इच्छा ये कि सरयू तट या ऐसी किसी अच्छी जगह पर जमीन मिले तो जल्द से जल्द राजा विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश के पहुंचने वाले राम भक्तों के लिए एक धर्मशाला बनवाई जा सके, सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था की जा सके। मोहन यादव ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बड़े धाम हैं, दूसरे राज्यों के जो भक्त वहां पहुंचते हैं, अगर वे चाहते हैं, दूसरे राज्य चाहते हैं, तो उन्हें भी जगह दी जाएगी, और वो भी सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए, मां शारदा के भक्तों के लिए भवन बनाने के इच्छुक हैं तो उनका भी स्वागत। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये काल और इसकी रोमांचित करने वाली ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। बड़े बड़े जहां पर देवस्थानम है वहां पर अलग अलग तरह की सुविधाएं देने का काम, अलग अलग तरह की जगह बनाने का काम, ये कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है मोहन सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि लोग आ सके और यहां से लोग जा भी सके, लोगों को भी प्रेरित करने का काम कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया जा रहा है कि जहां जहां देवस्थानम है वहां पर अलग जगह बनाई जाए, लोगों को बुलाया जाए और कहीं ना कहीं श्रद्धा तो इससे बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को जो श्रद्धा है, वो जो पहुंचने में दिक्कतें होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएंगी, बड़ी सुविधाएं इससे मिल सकेंगी। अयोध्या में भी बड़ा प्रयोग करने की तैयारी में, बड़ी तैयारी में जो है मोहन सरकार है, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश भवन बनाने की तैयारी में है कि मध्य प्रदेश से लंबा जो नाता रहा है, बड़ा नाता रहा है भगवान राम का, जो भक्त हैं, राम भक्त हैं मध्य प्रदेश में, वो चाहते हैं रामलला के दर्शन करना, तो वो जाएँ तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रयासरत वो हैं। अगर मुमकिन होगा, उनकी मंशा है कि अगर मुमकिन हो पाया तो वहाँ पर भी भवन बनाया जाए और जो भक्त हैं वहाँ पर अच्छे से जा कर के दर्शन कर पाएँ, सहूलियत उन्हें मिल सके, किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया, प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर पर, एक्स पर जो है
में मोदी को जो है जोड़ा है, परिवार जोड़ा है, क्या कहेंगे इसके? हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं। और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। राहुल गांधी वीना से न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब मैं भगवान राम के इस स्थान पे उनकी तो उनको उन पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो अपने कर्म करें, लेकिन कम से कम हमारे अपनी सनातन संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, इन पे कम से कम वो उनका जो आचरण विचार है वो हमारी इस व्यवस्था से मेल नहीं खाता, ये मुझे बड़ा दुख। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना और राम की भक्ति करने आए हैं, राजनीति पर बहुत टिप्पणी नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा प्रवेश कर रही है, जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, तो उन्होंने कहा मेल नहीं खाती हैं चीज़ें, उन्हें जो करना है वो करें, हमारी आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए। तो आज खुद को सौभाग्यशाली बता रही है मोहन कैबिनेट, राम के दर्शन कर रहे मोहन, बताना भी चाहिए सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली होने का ही अवसर है, ये दिन है बेहद खास। सपने लिए आंखों में जो बैठे थे लंबे वक्त से हिंदू धर्म के लोग, सनातनी लोग, राम के भक्त, उनका सपना साकार होगा तो ये गौरवशाली क्षण ही होगा। और इतने लंबे सालों का इंतजार जब किया गया, उसके बाद रामलला जब विराजमान हुए, उसके बाद जब ये मौका आ रहा है, फरवरी में भी आपको याद होगा जिक्र किया था सीएम यादव ने कि मैं जाऊंगा, हालांकि व्यस्तताओं की वजह से, काम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे, पर अब वो घड़ी आ चुकी है, वो खास घड़ी जब मोहन यादव पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और देखिए सौभाग्य की बात, बड़ी बात यहां पर है कि पूरी कैबिनेट पहुंच चुकी है, कैबिनेट पर आशीर्वाद बना रहे, ये भी उन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट समर्पित है रामलला को, रामलला जो मार्ग दिखाएं और आशीर्वाद बनाएं उसी के साथ ही हम आगे बढ़ें और जनता के लिए काम करें। और खास बात ये भी देखिए कि उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नियां भी रामलला के दर्शन करने के लिए साथ में पहुंचे हैं, बड़ी बातें। इससे पहले जब वो निकल रहे थे, बैठक हुई थी उनकी सुबह को, उन्होंने कई सारी बातें कही थी, एक दो दिन पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उन्होंने जिक्र किया था कि इतनी बड़ी जगह है, राम भक्त मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं अपने रामलला के दरबार में पहुंचने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उनके लिए उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, यूपी सरकार से बात करने के प्रयास करेंगे कि वहां पर धर्मशालाएं बन सके, हमारे जो भक्त हैं मध्य प्रदेश में, जो भक्त हैं रामलला के, वो आसानी से पहुंच सके, वहां पर ठहर सके और रामलला के दर्शन कर सके, वो प्रयास करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि हम यूपी सरकार भी चाहे तो वहां पर आकर के मध्य प्रदेश में जो देवस्थानम है वहां के आसपास आकर के भी धर्मशाला बनवा सकती है। तो ये बड़ा प्रयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है यहां पर, बड़े प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि धर्म को आगे रखा जाए और लोग जो हैं धर्म के प्रति जागरूक हों, यहां पर आगे बढ़े, आस्था में लीन नजर आए और उन्हें पर्याप्त तरह की व्यवस्थाएं भी जो हैं मिल सके अगर वो दर्शन करना चाहते हैं। तो ना सिर्फ राम भक्तों की सुविधाएं, और जैसा कि अभी ऋतु जिक्र भी कर रही थी, पूरी कैबिनेट दर्शन कर रही है, आशीर्वाद ले रही है। मसला सिर्फ कैबिनेट का भी नहीं, 370 वोट बढ़ाना और 370 वोट बढ़ाकर 400 के पार जाना, ये जो टारगेट रखा गया इससे लेकर आशीर्वाद। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जो पुजारी हैं पूजन के बाद, उनका भी आशीर्वाद बार बार देखा और बहुत, और जिसका मैं जिक्र कर रहा था 400 पार, ये अलग अलग तस्वीरें रामलला को दंडवत प्रणाम आशीर्वाद मंदिर में जाने के दौरान की तस्वीरें, प्रमुख पुजारी पूजन अर्चन के बाद उनका भी आशीर्वाद,
और एक और तस्वीर जिसमें कैबिनेट के जो तमाम लोग जब पहुंचे तो स्वागत का लंबा सिलसिला चला। ये चार तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कितना खास और बेहद खास आज का दिन ये रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले दंडवत करते हुए सीएम यादव और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर भी आपने देखी जहां पर जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर जहां पर पंडित पुजारी वहां पर हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं जब उन्होंने लैंड किया, जब वो अयोध्या पहुंचे तब उनका स्वागत किया गया, गुलदस्ते देकर के उनका स्वागत किया गया। आज का दिन बेहद खास होगा मोहन कैबिनेट के लिए, चूंकि ये क्षण आ गया, खास पल आ गया जिसका सभी इंतजार लंबे वक्त से कर रहे हैं। और रामलला के दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने कहा कि बस रामलला को यह समर्पित है हमारी कैबिनेट, इस पर आशीर्वाद बना रहे, हमें मार्ग दिखाएं राम कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है और इस कैबिनेट को आगे चलाना है, कैसे आम लोगों को फायदा पहुंचाना है। तो राम का आशीर्वाद बना रहे, हम राम के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ ही जाएंगे। तो राम के आशीर्वाद के साथ ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि बाकायदा भजन में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राम आए हैं, अब राम राज्य लाएंगे और हर बार मोदी जी को ही जिताएंगे। मोदी जी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया, प्रधानमंत्री मोदी को, इस मंदिर को लेकर। जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, वैसे भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से श्री राम और श्री राम के संघर्ष का बड़ा गहरा नाता, छत्तीसगढ़ के वो भांजे लगते हैं, तो मध्य प्रदेश उनके आगे नमन करता है। इसी छत्तीसगढ़ में लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभ सिंधु खरारी, राजीव लोचन भी वो हो जाते हैं। जब राजिम कुंभ की बात आती है तो राजीव लोचन, भगवान राजीव लोचन, उनका पूजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गहरा नाता और उन्हीं रामलला के स्वरूप के, बाल स्वरूप के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए, पूजन के लिए मोहन कैबिनेट पहुंची हुई है। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी बहुत ज्यादा खुशी हमने देखी थी मध्य प्रदेश में। ललित, आपको याद होगा कि यह भी कहा जाता है कि चित्रकूट अगर ना होता तो शायद राम भी नहीं होते। सबसे ज्यादा वक्त जो है राम ने वहां पर बिताया था और कहीं ना कहीं ये भी असुरों का विनाश करने का भी संकल्प उनके द्वारा लिया गया था। तो यहां से भी एक बड़ी शुरुआत हम मान सकते हैं वाकई। और संघर्ष की जब आपने बात कही, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, चित्रकूट का एक हिस्सा मध्य प्रदेश और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल आता है, और वहां से उसके बिना श्री राम का पूरी अगर संघर्ष देखा जाए बिना चित्रकूट के, वाकई वह अधूरा है। कैसे अलग अलग स्वरूप अयोध्या से लेकर और रामेश्वरम तक, किस तरह के अलग अलग स्वरूप में श्री राम का पूजन अर्चन होता है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये कहीं किसी माइथोलॉजी में, किसी प्रमाण में, किसी पुराण में आपने ये नहीं दिखा होगा। भगवान खुद कह रहा है, यस, क्या चलता है तुम्हारे यहां? आईपीसी सीआरपीसी चलता है, मैं जाऊंगा कोर्ट, मैं अपनी जमीन के लिए कोर्ट जाऊंगा। भगवान स्वयं पक्षकार बन जाए, ये सिर्फ इसी देश में संभव है। अपने घर के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए भगवान खुद एज अ पार्टी कोर्ट में संघर्ष कर रहा है, कहां होता है ये सिर्फ सनातन में संभव है। और उसी संस्कार के लिए, निर्माण के लिए, पुनरुत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, पहुंची हुई है रामलला के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। और जो जुड़ाव मध्य प्रदेश से शुरुआत से ही रहा है राम का और राम से राम भक्तों का, उससे दूरी ना बने इसके भी प्रयास जो हैं सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब प्रयास आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं भवन बनाने की तैयारी, धर्मशाला बनाने की तैयारी भी मोहन सरकार करेगी। अभी बात करने के प्रयास होंगे, अगर हामी भरी जाती है तो बहुत जल्द मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी सौगात होगी, गौरवशाली वो क्षण होगा जब ये फैसला लिया जाएगा और वो धर्मशाला बनकर तैयार होंगी
और मध्य प्रदेश वासी पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए ठाट बाट से और सोचेंगे हमारे लिए तो व्यवस्थाएं हैं राम के दरबार में, राम की जगह पर, राम की नगरी में हम तो जाएंगे। ये अलग अलग तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप, स्वागत से लेकर राम धुन गाने तक का सिलसिला। आगे हम ये राम धुन आपको सुनवाएंगे जब सारे जो मंत्री हैं वो एक साथ इकट्ठे सस्वर श्री राम धुन उन्होंने गाई थी। वो भजन भी हमने आपको लगातार सुनाया जो फ्लाइट से उतरने के बाद रनवे से मेन गेट तक आने के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने गाया और मंत्रियों ने सुर में सुर मिलाया। राम आए हैं तो राम राज्य लाएंगे। रामलला की शरण में मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट। और यह भी अद्भुत है कि डॉक्टर मोहन यादव उस महाकाल से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं, जिनका आशीर्वाद स्वयं श्री राम लेते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं लंका विजय का सिलसिला और उसी मध्य प्रदेश बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन वहां से आते हैं डॉक्टर मोहन यादव। इस संबंध को दोहे के जरिए भी उन्होंने साफ किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह साल की दशक की बात नहीं, हजारों साल पुराना रिश्ता है, लंबा संघर्ष, संघर्ष के बाद किसी सपने का सच होना और प्रभु श्री राम के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन होना, यह अपने आप में परम सौभाग्य। और इसीलिए आज यहां पर पहुंची हुई है मोहन कैबिनेट। इससे पहले हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की कैबिनेट यहां जा चुकी हैं, दर्शन कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत शुरुआत में कहा था कि सभी जो राज्य हैं वो पहुंचेंगे, पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आम लोगों के लिए अयोध्या दर्शन के लिए खोली जाएगी और बाद में कि आम लोगों को, राम भक्तों